चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ड्रॉपर यानी कि जो स्टूडेंट नीट 2023 की एग्जाम देंगे उनके लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। यानी कि जो नीट 23 का एग्जाम देंगे, जो स्टूडेंट ड्रॉपर हैं, इस साल ड्रॉप करेंगे और नीट 23 का एग्जाम देंगे, उनके लिए कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी। पेपर चाहे कैसा भी हो, हालांकि कट ऑफ पेपर पर डिपेंड करती है, लेकिन पेपर कैसा भी हो फिर भी कट ऑफ डाउन रहेगी। मैं इसमें आपको पूरा रीजन के साथ बताऊंगा क्यों कट ऑफ डाउन रहेगी, ये इसका क्या कारण हो सकता है, और ये डेफिनेटली आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि नीट 2023 के लिए कट ऑफ डाउन रहेगी और ये ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने बुक लिख दी है। स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, आयुष, वेटनरी, सभी की हिंदी इंग्लिश मीडियम में बुक अवेलेबल है। आप इसको हमारे वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने कट ऑफ वगैरह के बारे में समझाया है, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में समझाया है, टॉप से लो के क्रम में कॉलेज दिखाई गई है, आप 22 में किस प्रकार से च्वाइस फिल करना है उसके बारे में समझाया है इसमें पूरा का पूरा। तो आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सोचता हूं ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे मैं आपसे संपर्क कर लूंगा और आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 23 में कट ऑफ डाउन कैसे रहेगी। तो देखो, इस बार जो होने जा रहा है वो 50% है। हम सबको पता है 50% जो प्राइवेट सीट है वो गवर्नमेंट फीस पर होंगी। ऐसा मैंने कल परसों भी वीडियो बनाया था, तमिलनाडु स्टेट ने, उड़ीसा ने, कर्नाटका ने इसकी पहल भी शुरू कर दी है और ये जल्द ही हो जाएगा। तो अगर ये इस साल से हो जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा 23 के ड्रॉपर स्टूडेंट को होगा, यानी कि जो 23 में नीट का एग्जाम देंगे उनको ज्यादा फायदा होगा। वो कैसे होगा वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, इंडिया में हमारे पास में अभी टोटल 290 प्राइवेट कॉलेजेज हैं जिसमें 43,915 MBBS की सीटें हैं। प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं, ये इसमें डिम्ड भी शामिल है, 47 डिम्ड है जिसमें 8,787 सीट्स हैं डिम्ड में, 49 डिम्ड में, तो वो भी इनमें शामिल हैं। तो ये 290 जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं इनको हम मान लेते हैं, राउंड फिगर में मान लेते हैं कि 44,000 हमारे पास में प्राइवेट की सीटें हैं। अब इनमें 50% सीट जाएंगी गवर्नमेंट फीस पर। जब 50% गवर्नमेंट सीट पर ये जाएंगी, गवर्नमेंट फीस पर ये सीटें जाएंगी, तो 22,000 सीट्स चली जाएंगी गवर्नमेंट फीस पर। अब ये 22,000 रैंक पर तो डाउन नहीं होगी ये कट ऑफ, क्योंकि क्या होता है कि ये स्टेट वाइज होगा और किसी स्टेट में कट ऑफ काफी लो जाती है और किसी में मीडियम जाती है और किसी में हाई जाती है, लेकिन होगा तीनों को फायदा, जिसमें कट ऑफ लो भी जाती है, हाई भी जाती है, मीडियम भी जाती है, तीनों को फायदा होगा। तो ये 22,000 सीट्स हमारे पास में आ जाएंगी कौन से ईयर में, 22 में, इस साल हमारे को जो सीटें मिलेंगी सारे स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें 22,000 हमारे को सीट्स मिलेंगी। जब ये 22,000 हमारे को सीट मिलेंगी तो इसमें ऑल इंडिया की कट ऑफ भी इफेक्ट होगी, और इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि अगर ये 22,000 स्टेट्स के लिए सीट बढ़ती है तो ऑल इंडिया के लिए इस साल 10,000 रैंक तक बढ़ जाएगी, यानी कि 10,000 रैंक तक एडमिशन ज्यादा होगा इस साल के लिए 22 के लिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो रैंक 10,000 तक ज्यादा जाएगी, यानी कि 10,000 स्टूडेंट इस साल ऑल इंडिया में ज्यादा एडमिशन ले लेंगे। ये तो रही ऑल इंडिया की बात, लेकिन
अभी ये 22,000 स्टूडेंट हैं, ये सभी स्टेट्स में एडमिशन लेंगे। जब ये सभी स्टेट्स में एडमिशन लेंगे तो जो अगली साल जाने वाले स्टूडेंट हैं, जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, उनमें से मेरिटोरियस स्टूडेंट 22,000 कम हो जाएंगे। यानी कि अगली बार जो बच्चा ड्रॉप कर रहा है वो इस बार का बॉर्डरलाइन का स्टूडेंट है या बॉर्डरलाइन से थोड़ा सा नीचे का स्टूडेंट है, उनको आगे काफी सीट्स मिलने के चांसेस हैं। तो जब उन बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट्स को सीट इस साल ही मिल जाएंगी, यानी कि बैकलॉग के बारे में आप समझते हैं कि इस साल ही उनको सीटें मिल जाएंगी, तो अगली बार 23 में कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, और थोड़ा कम हो जाएगा तो 22,000 कैंडिडेट्स इस साल एडमिशन ले लेंगे और 22,000 23 में एडमिशन ले लेंगे, तो कट ऑफ डाउन जाएगी और सबसे ज्यादा फायदा ड्रॉपर स्टूडेंट को होगा। तो आप भी इसमें अपना स्कोर के अकॉर्डिंग देख लें कि आपको ड्रॉप करना है या फिर इस साल ही एडमिशन लेना है। मैंने आपको बता दिया है कि ड्रॉपर स्टूडेंट को काफी फायदा होगा 23 में, क्योंकि इस साल अगर ये होती हैं 50% सीट प्राइवेट गवर्नमेंट फीस पर, तो 22,000 तो वो कैंडिडेट एडमिशन लेंगे जो बॉर्डरलाइन है उससे नीचे वाले हैं, और वो अगली बार जाएंगे तो वो अगली बार एग्जाम में बैठने से बच जाएंगे, इसी साल उनका एडमिशन हो जाएगा, और इस साल एडमिशन हो जाएगा तो अगली साल कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा और उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ कम जाएगी। तो ये ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए खुशी की बात है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही गुड न्यूज आपके लिए लेकर फिर से आएंगे। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।